वेलकम टू जीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर मिली तो नौजवानी फिर कहां। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे वक्त ऐसा समय आ गया है कि हमें अपने कार्यशैली में कि किस प्रकार बहुत सारे फिल्म स्टार फिर से पहुंचते हैं जीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, और जीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से अपने स्थान से प्रस्थान हो गए, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में केवल है फिल्म और फिल्म के किरदार, और वो फिल्म के किरदार किस प्रकार अपने परफॉर्मेंस को पेश करते हैं वो संजीव तिवारी के साथ आप देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, बहुत सारे एक कविता होता है जिसपे सब कुछ को बोलना होता है, तो सबसे पहले कौन बोलता है, तो सबसे पहले देखो कैसे राजकुमार बोलते हैं, ना तलवार की धार से ना दुश्मनों की आकाश से, बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से जाने। अब शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि इसको होस्टिंग कर रहे थे और तुरंत बीच में इंटरप्ट करता है, खामोश चपड़ गंजो, लाले की जान मेरी आन बान और शान, अगर एक लफ्ज भी और बोला तो तेरे सर पे इतने टंडे मारेंगे कि तू अपने नाना नानी पर नाना नानी को से भूल जाएगा। हाँ, ये सोच के राजकुमार डर जाते, तो जानी तुम ही बताओ हम कौन सा कविता बोले। लाले की जान मेरे पास है मेरा आन बान और शान, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कविता तुझे बोलना है। हाँ, तो बताओ 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 जानी बताओ कौन सा कविता बोले। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, और घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, और घोड़ा भागा जो दुम दबा के भागा, आज तक लौट के नहीं आया। जानी घोड़े के दुम पे अगर हथौड़ा मारोगे तो भागेगा। हाँ, घोड़े के दुम पे तो केवल मैं ही मारूंगा, और किसे भी मारने का कोई हक नहीं। तो जानी मैं किस प्रकार का कविता बोलूं, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, काठी के घोड़े को पिलाया जाम का हथौड़ा। हाँ, मोह चपड़गंज कभी ये जो राजकुमार के उत्साह हो गए, क्योंकि भाई शत्रुघ्न सिन्हा जितने सामने महावीर खड़े हुए हैं तो उनके हिम्मत कहाँ है इसको बोलने का। तब तक अमिताभ बच्चन का हस सवाल लाल के चांद में यान बनो साम, लाले की जान नाम गेंदा लाल, बेटा का नाम वीरेंद्र लाल, भाई आज साला मैं तुझे सुनाऊंगा क्या होता है, क्या होता है कविता है, अभी मैं तुम्हें सुनाता हूं। मेरी मखड़ा मेरी सोनिए है चल बलिए हो, मेरी मखड़ा मेरी सोनिए है चल बोलिए, सोनी तेरी चाल सोनी रई, लगदी कमाल सोनी रई, मेरी मखड़ा मेरी सोनिए मर जावा तेरे सजदे रप्पा, सोनी तेरी चाल सोनी रई, लगदी कमाल सोनी रई, सोनी तेरी चाल सोनी रई, लगदी कमाल सोनी रे, चांदनी की हसीन सूरत है हर हसीनों से खूबसूरत है, दिल कहे दिल उस पे वार दू क्यों मेरी जरूरत है, सोनी तेरी चाल सोनी रे। हाँ, चक्रगंजो मेरे को क्यों लेख ही कविता सुनना है, लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, हस साला नाम अमिताभ बच्चन, पाप का नाम हरिवंश राय बच्चन, भाई साला मेरे को कोई आतर नहीं बोला, हस साला। तब तक बीच में फिर कविता के लिए आ जाते हैं हमारे अशोक कुमार जी। अरे बेटा, अरे अरे मैं तुम लोगों को कविता सुनाता हूँ बेटा, अरे अरे। तब तक शुरू करने से पहले बीच में इंटरप्ट करते हैं हमारे फिर से शत्रुघ्न से, लाले की जान टकले की आन बान और शान,
अगर मेरे को कविता सही नहीं सुनाया तो मैं तेरे सर पे इतने टुकड़े करेंगे कि तू अपने आप को भूल जाएगा। हाँ अरे बेटा क्यों गुस्सा करते हो, अरे मैं तुमको सुनाता हूँ। अरे मेरा बुढ़ापा आ गया है बेटा, अरे लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा और घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा बेटा। अरे बेटा तथ के फिर से बीच में आते हैं हमारे देवानंद। मेरा नाम देवानंद है और आज का नहीं कल का नहीं हमेशा का नाम देवानंद ही है और रहेगा भी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है कविता, और वो कविता है लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा और घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा और घोड़ा जो भागा आज तक लौट के नहीं आया। हाँ तभी बीच में आ जाते हैं शक्ति कपूर। आओ साधुदंगल मैं भी गाना कविता गाऊंगा। आओ अरे लाले की जान तू कहां से आ गया। हाँ यहाँ केवल फिल्मी किरदार का जरूरी है, तू विलेन बन के कहा। आओ मैं भी खाऊंगा लकड़ी की काठी, आओ काठी का घोड़ा, आओ घोड़े के धूम पे मारा जो हथौड़ा। आओ बंद कर अपनी बकवास लाले की जान, अगर एक बार भी तू और बोलेगा तो तेरे सर पे इतने टुकड़े करेंगे कि तू अपने आप को भूल जाएगा। हाँ अब इतने में शक्ति कपूर डर जाते हैं। शक्ति कपूर के डरते के साथ भी तुरंत जो है हमारे फिल्मी किरदार के सबसे महान शख्सियत आते हैं, वो शख्सियत है हमारे नाना पाटेकर जी। अच्छा है मेरी माँ कहती है कि मेरा बेटा दुनिया बदलेगा, दुनिया बदलेगा, आज मैं दुनिया बदलूंगा, इसलिए मैं आया हूं। सभी बच्चे को बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई मन लगा के नहीं पढ़ता है। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।